तो हम माइक्रोबिट वर्जन 2 में ये लाइट सेंसिटिव अलार्म बनाना सीखते हैं। तो मैं makecode.microbit.org में हूँ और इस वेबसाइट में मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और इसका मैं अलार्म प्रोजेक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ लाइट अलार्म। तो माइक्रोबिट वर्जन 2 में कुछ नए फीचर्स और नए कुछ नई हार्डवेयर है, जैसे कि उसमें ऑनबोर्ड स्पीकर है, हमारे को वर्जन 2 में स्पीकर एक्सटर्नली नहीं ऐड करना पड़ता। तो जो हम अलार्म बना रहे हैं उसमें हम जो है इनपुट लेंगे लाइट सेंसर से। सो लाइट सेंसर की क्या रीडिंग है, हम इस लाइट लेवल का जो पैरामीटर है इससे नाप सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें ऑन स्टार्ट ये नहीं चाहिए, हमें फॉरएवर का लूप चाहिए कि फॉरएवर, क्योंकि ये अलार्म है तो फॉरएवर ये चेक करता रहेगा कि जब भी लाइट लेवल एक लेवल से ऊपर होगा तो हमारा अलार्म बजेगा। तो इसके लिए हम फिर लॉजिक में जाके एक कंडीशनल स्टेटमेंट ला रहे हैं इफ देन का, और हम लॉजिक में ही जाकर एक हम कंपैरिजन का भी ब्लॉक ला रहे हैं। और हम यहाँ कह क्या रहे हैं कि अगर जो लाइट लेवल है वो मोर देन ग्रेटर देन सम नंबर है, और ये नंबर डिफाइन करेगा कि हम कितना अलार्म को कितना सेंसिटिव बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि लाइट लेवल जो है लेट्स से 100 से ज़्यादा है और मैं इस कंडीशनल स्टेटमेंट को इस फॉरएवर लूप के अंदर डाल रहा हूँ, तो हम कह क्या रहे हैं कि फॉरएवर चेक फॉर दिस कंडीशन कि अगर माइक्रोबिट में जो लाइट पड़ रही है और जो इसका लाइट सेंसर है वो इसकी जो LEDs हैं ऑनबोर्ड LEDs जो हैं वो नॉट ओनली LEDs हैं वो लाइट सेंसर भी हैं, तो अगर उन पे जो लाइट पड़ रही है वो मोर देन 100 यूनिट्स है तब कुछ करना। और क्या करना, तो हम चाहते हैं कि अलार्म बजे, तो हम फिर म्यूज़िक में जाके हम कोई अलार्म टाइप की मेलोडी बना सकते हैं। तो मैं ये मेलोडी बना रहा हूँ, तो हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं फॉरएवर चेक फॉर दिस कंडीशन इफ लाइट लेवल इज ग्रेटर देन 100 प्ले दिस मेलोडी। और अभी हमारे सिमुलेटर में क्या हो रहा है, अलार्म इसलिए बज रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइट लेवल है ये मोर देन 100 है, ये 128 है। तो हम अपना प्रोग्राम चेक कर सकते हैं, अगर हम इस लाइट लेवल को कम कर देते हैं तो अगर मैं कहता हूँ कि लाइट लेवल 0 है तो हमारा अलार्म नहीं बज रहा है, और अगर हम इसका लाइट लेवल बढ़ाते हैं जैसे ही ये 100 से ऊपर जाएगा अलार्म जो है वो बज जाएगा। और इसको हम कितना सेंसिटिव रखना चाहते हैं ये हम यहाँ से डिटर्मिन कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा लाइट पड़े तभी बजे तब हम इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो मैं अभी कह रहा हूँ 200। अब इसके बाद अगर हम इसको अपने माइक्रोबिट पर टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमने अपने माइक्रोबिट को USB के थ्रू अपने मैंने अपने लैपटॉप से अटैच किया हुआ है और मैं ये प्रोग्राम अपने माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम अपने माइक्रोबिट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए सच दैट हम सीधे ही अब जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, अगर आप यहाँ नीचे जो डाउनलोड लिखा है इसमें ये 3 डॉट्स जो हैं इसको दबाओगे तो यहाँ पर आपके पास ये मेन्यू पॉपअप होगा। तो हम ये डाउनलोड सेव एज अ फाइल करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट सिंपलर इज़ टू डायरेक्टली ट्रांसफ़र। तो मैं यहाँ कनेक्ट डिवाइस कह रहा हूँ और ये जो पॉपअप है ये मुझे अब अपने डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बटन कर रहा हूँ, पेयर योर माइक्रोबिट, वो बता रहा है इंस्ट्रक्शंस, मैं नेक्स्ट करके इसको सिलेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ। सो अब मेरा माइक्रोबिट जो है वो कनेक्ट हो गया है। तो अब जब मैं ये डाउनलोड बटन दबाता हूँ तो ये प्रोग्राम हमारे माइक्रोबिट में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये टेस्ट करने के लिए कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है कि नहीं, मैं अपने माइक्रोबिट के ऊपर लाइट शाइन करता हूँ। तो जब मैं लाइट शाइन कर रहा हूँ तो ये अलार्म जो है ये बज रहा है, और अगर लाइट शाइन करनी बंद हो जाती है तो जब मेलोडी का लूप ख़त्म हो जाता है तो जो अलार्म है वो रुक जाता है। और ये देखने के लिए कि एक्चुअली वैल्यूज़ क्या हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम वापस बेसिक में जाकर फिर से एक फॉरएवर लूप लाते हैं और हम यहाँ कह रहे हैं कि शो नंबर, ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक लाके हम इनपुट में जाकर वापस लाइट लेवल वाला वेरिएबल ला रहे हैं। तो अब हम ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली हमारे को दिखाते रहना माइक्रोबिट पर कि उसमें कितनी लाइट पड़ रही है। तो जैसा कि हम यहाँ सिमुलेटर में देख सकते हैं कि इस वक्त 128 लाइट लेवल है और वही हमारे को यहाँ पे दिख रहा है,
और अगर हम इस लेवल को चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी वैल्यू बदल जाती है, यानी कि जो हमारा सेंसर जो भी लाइट इंटेंसिटी पढ़ रहा है वही दिखा भी रहा है। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा अपने माइक्रोबिट में डाउनलोड कर रहे हैं तो अभी ये दिखा रहा है कि लाइट 181 पढ़ रही है, और जब मैं अपना मोबाइल फोन जो जिसमें टॉर्च चल रहा है वो लेके जाता हूँ तो लाइट अलार्म बज रहा है और अभी जो लाइट इंटेंसिटी है वो 230 हो गई है। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है और इससे आप एक बर्गलर अलार्म बना सकते हैं जो कि लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया और आप इसको बना के ट्राई करोगे। अगर आपके पास माइक्रोबिट नहीं है तो आप makecode.microbit.org में केवल सिमुलेटर ट्राई करके देख सकते हो, और अगर आपके पास माइक्रोबिट है, अगर वर्जन 1 है तो आपको स्पीकर लगाना पड़ेगा, पर अगर आपके पास माइक्रोबिट का वर्जन 2 है तो उसमें ऑनबोर्ड स्पीकर है और जैसा मैंने दिखाया एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोग्राम काम करेगा।